तौर पे एक चिंता का विषय है, उसको ये समीक्षा। और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इस वक्त, सबसे अहम और बड़ी खबर, रुझानों से उत्साहित है कांग्रेस, जेडीयू और टीडीपी से कांग्रेस बात करेगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू और टीडीपी से कांग्रेस बात करेगी, ये सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रुझानों से उत्साहित है, जेडीयू और टीडीपी से कांग्रेस पार्टी बात करेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त। कांग्रेस पार्टी रुझानों से काफी उत्साहित है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रुझानों से काफी उत्साहित है और लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं न्यूज 18 पर, सबसे बड़ी कवरेज यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार खास मेहमानों के साथ। प्रभात त्रिपाठी जी, ये क्या माना जाए, अब यहां पर कांग्रेस ने मास्टर गेम प्लान तैयार कर लिया है, यानी कि अगर सीटें कुछ कम भी होती है तो यहां पर कांग्रेस जो है जेडीयू और टीडीपी से बात करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर। नहीं देखिए अनुपम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जेडीयू एक नीतीश कुमार जब कल प्रधानमंत्री होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि दसवां या आखिर का चरण की काउंटिंग हो जाए और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ना हो, ऐसा मत होने दीजिए, यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आप सब चौकन्ने रहिए, क्योंकि जो गोदी मीडिया के द्वारा झूठ और फरेब फैला सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो आप इस बात पे चौकन्ने रहिए। तीसरी बात जो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको हर जल्दी से जल्दी आंकड़े अपडेट करने चाहिए। पीछे मैंने देखा कि लगभग आध घंटा उन्होंने आंकड़े अपडेट नहीं किए, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जनता को पता चले कि रुझान किस तरफ हैं और कितनी सीटों में कितने दलों के रुझान हो रहे हैं। ये तीन बातें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि आखिर नतीजा क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इतना ज़रूर है और मैं गोदी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिपुरा ईस्ट से बीजेपी की कीर्ति देवी जीती हैं, त्रिपुरा ईस्ट से बीजेपी की कीर्ति देवी जीत गई हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने एक और सीट पर जीत दर्ज कर ली है। तो त्रिपुरा ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी की कीर्ति देवी ने जीत दर्ज कर ली है, तो बीजेपी के खाते में एक और सीट जुड़ गई है और यूपी में अभी तक बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया है। एक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं, जो शुरुआती रुझान है, वो काफी ज्यादा दिलचस्प इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को भी उतनी सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही हैं शुरुआती रुझान में। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस भी काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीएसपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में बीएसपी का अभी तक खाता नहीं खुला है, शुरुआत के कई राउंड के रुझान सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बीएसपी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। तो बीएसपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने की इस बार घोषणा की और आखिरी दौर में देखा कि कई सारे बदलाव भी बीएसपी ने अपनी पार्टी में किए, लेकिन अब जो मतगणना हो रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बीएसपी के लिए ये एक बड़ा झटका कि बीएसपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 आपको हर एक सीट पर क्या रुझान है वो दिखा रहा है और किस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं पल पल, ये भी दिखा रहे हैं क्या मायने हैं जो आंकड़े अभी तक देखने को मिल रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो मौजूदा वक्त उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है, वहीं एनडीए को INDIA गठबंधन बहुत ही कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। यूपी में बीएसपी का खाता नहीं खुला,
INDIA गठबंधन टक्कर NDA को देती हुई दिख रही है और ये एक बहुत बड़ा उलटफेर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 80 की 80 लोकसभा सीट दावे BJP के थे, NDA के थे कि पूरी तरह से हम कब्जा कर लेंगे। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने भी दावा किया था कि एक सीट को छोड़कर हम जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल किसी का भी दावा सच साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। कड़ी टक्कर दिख रही है, NDA 35 तो INDIA 43 पर आगे, आदर्श के खाते में 2 जाती हुई दिख रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। और उत्तराखंड, जो बात हमने कही थी कि 5 की 5 पर BJP क्लीन स्वीप करेगी, फिलहाल रुझानों में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जवाब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदी। बिल्कुल सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं ये काफी ज्यादा दिलचस्प आंकड़े हैं। इसके पीछे आप क्या बड़े फैक्टर देख रहे हैं? क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, क्या ये उनका असर है या इसके अलावा भी क्या कोई बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से दोनों ही दल आपस में कड़ी टक्कर में हैं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले चीज़ तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ासतौर से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता ने और ख़ासतौर पर जो रुझान अभी सामने आ रहा है, उन्होंने एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित कर दी है कि भारत के अंदर, ख़ासतौर पर हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, जो आपसी एक भाईचारा है और जो घमंड, जो तकब्बुर के अंदर लोग इस चीज़ को सोचते थे, उसको धराशायी होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। खासतौर से इंडिया गठबंधन ने बार बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा और पहले आप देखेंगे चरण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरीके से उन्होंने पूरा अपना ट्रैक जो है वो चेंज कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल पर वोट मांग ही नहीं रहा था। जिस तरीके से आप देखें, उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षक भर्ती घोटाला था, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला था, वो एक बड़ी चुनौती थी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए पेपर लीक का मामला सामने आया, ठीक है, और बेरोजगारी का सामने आया, युवाओं को आपने तोड़ा है, आपको लग रहा है युवाओं को तोड़ा है INDIA ने? आप देखिए, उसमें युवाओं का भी मुद्दा था, किसानों का भी मुद्दा था और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, युवा 45 डिग्री 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान जो है वो खेतों के अंदर काम करता है, युवा लगातार बैठे रहे। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी घटक दल रहे, चाहे आप देखिए 52 डिग्री टेम्परेचर में अखिलेश यादव को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को और तमाम लोगों को देखने के लिए जनमानस उबड़ा हुआ था और जो कहा जा रहा था कि एक मोदी लहर है वो नहीं दिख रही है। नहीं, लहर की बात तो कोई नहीं कर रहा था इस बार, लेकिन हाँ ये जरूर थी कि गारंटी की बात हो रही थी दोनों ही तरफ से। 400 पार का नारा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिया था, नारे तो देंगे पॉलिटिकल पार्टी से, नारे तो देंगे, नारा तो आप भी दे रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस होना बोलते हैं, नारा तो समाजवादी पार्टी भी दे रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक सीट को केंद्र में सरकार बनाने की जुगत कैसे लगाई जा सके, इसकी तरफ संकेत देखिए। आपके टेली स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 238 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी 94 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और रही बात तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की।